पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से निर्मित श्रम कल्याण केंद्र का आज विभागीय मंत्री भजनलाल जाटव ने लोकार्पण किया। जयपुर के हवा सड़क पर बने श्रम कल्याण केंद्र के निर्माण पर करीब 61 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। इस मौके पर असंगठित और निर्माण मजदूर संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली भी मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने बताया कि हिंदुस्तान मन सबसे अच्छी सड़क राजस्थान की है। लोग चर्चा करते हैं कि राजस्थान के गांव की सड़कें उत्तर प्रदेश के स्टेट हाईवे जैसी है। मंत्री ने कहा कि अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग राजस्थान में 1 लाख किलोमीटर सड़कें बना चुका है, वहीं 1,70,000 किलोमीटर सड़कों का काम जारी है। इस साल पीडब्ल्यूडी का 18,000 करोड़ का 94% बजट क्रियान्वित भी हो चुका है। ये पहली बार है कि इतनी शानदार बिल्डिंग बनके तैयार हुई है और तकरीबन ये 70 लाख रुपए के आसपास की बिल्डिंग है। और ये हमारे जो इंटक के साथी हैं, जो हमारे मजदूर हैं, मुंशी हैं, जो तकरीबन हमारे डाक बंगला थे उनमें ये बैलेट नहीं हो पाते हैं, दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी। और जयपुर जैसे शहर में यदि ये रूम भी लेने जाओ तो कम से कम 1,000 रुपये से कम का रूम नहीं मिलता है। और आप जानते हैं कि इनकी सैलरी क्या होती है, तो इनके लिए बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिशा निर्देश अनुसार इनको भवन की जगह अलॉट करी और भवन के लिए राशि स्वीकृत करी। आज ये भवन इन मजदूर इंटक के साथियों को ये समर्पित हो गया। जगदीश माली जी का प्रयास रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी चीज़ दी। और सबसे बड़ी बात है, प्राइम लोकेशन है, सामने मेट्रो है, मेट्रो से आना जाना करना है, अपना मेट्रो स्टेशन से आप लोगों को बस अड्डे जाना है या कहीं भी जाना है, तो ये बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन है। साथ आज राजस्थान में पहली बार श्रमिकों को एक ठहरने का ठिकाना मिला है। कई वर्षों से हमारी लड़ाई थी, हमारा पहला श्रम कल्याण केंद्र मेट्रो में चला गया, उसके बदले में ज़मीन और बजट एलोट कराने में हमको 10 साल लग गए और आज वो दिन आया, ये भवन तैयार होकर मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया मेरे साथ मिलकर। और ये अब मजदूरों को, बाहर से आने वालों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो और चाहे राजस्थान का कोई भी व्यक्ति हो, उसको हर एक को अपना हक मिलना चाहिए।